दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल MS News 2019 में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते अपडेट की ओर। हमने तन मन धन से बीजेपी का साथ दिया था और बीजेपी ने भी वादा किया था कि बीजेपी की सरकार आई तो EPS 95 पेंशन होल्डरों की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है जो ये सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है। नमस्कार, सभी EPS पेंशनर से निवेदन है कि यदि आप मोदी जी से अपनी मन की बात कहना चाहते हैं तो 1800117800 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान का हल पा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट है, पेंशनर्स मैसेज फ्रॉम CPPC। बी अलर्ट, साइबर क्रिमिनल्स हैव नाउ टारगेटेड रिटायर्ड पेंशन होल्डर्स। दे मेक फोन कॉल्स एवर इन लैंडलाइन स्टेटिंग द पेंशन होल्डर दैट ही हैज एन अमाउंट फॉर ₹3,32,590 लाइंग विद SGI फंड एंड रिक्वेस्टिंग टू सेंड सेल्फ साइंड कॉपी ऑफ पैन, आधार, फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ PPO बुक, वन अनसाइंड कैंसल चेक विद टू कॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बाई स्पीड पोस्ट इन द गिवन एड्रेस सो दैट द केस कैन बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक। दे ऑल्सो शेयर नेम एंड फोन नंबर्स टू एस्टेब्लिश देयर जीनियंस। प्लीज शेयर विद ऑल रिटायर्ड पर्सन यू नाउ। तो दोस्तों अभी EPS 95 के साथ फ्रॉड हो रहा है, कुछ ऐसे संदेश आ रहे हैं जिनमें उनको पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि की फोटोकॉपी स्कैन करके भेजने को कहा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी अननोन नंबर से SMS आए तो वो न भेजें। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।